रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा ओपन मार्केट का रेट, ओपन मार्केट में वैसे ना बेहतरी देखने को मिल रही है पाकिस्तान में भी। और कल एक वैसे भाई ने मुझे कमेंट किया, भाई मक्का में एक्सचेंज रेट इस वक्त 78 है, 78 बता यार, ये खुदा का नाम है यार, इतनी लंबी लंबी मत छोड़े फिर मैं झूठा पड़ता हूँ। तो 78 तो नहीं है रेट कहीं भी, पाकिस्तान ओपन मार्केट में 73.50 रुपये से लेकर 74 रुपये के अराउंड में, और सऊदी अरेबिया में आप एक्सचेंज रेट की बात कर रहे तो 74 रुपये 12 पैसे 10 पैसे 12 पैसे ये रेट आ रहा है जी। तू कार कर ले भाई दरमियान में, अच्छा ये रेट आ रहा है। और अगर बात कर लें इंडिया, भाई 22 रुपये प्लस में, बांग्लादेश टका 29 टके प्लस में है। और दूसरी बात ये है जी कि मैं मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको बता देता हूँ, मैं ईद के ऊपर रियाल अभी जो सूरत जा रही है रियाल में, वो अभी रेट मुमकिन तकरीबन रुका हुआ है। आपको पता है तकरीबन 20-30-50 पैसे तक की डाउन हुआ है रेट ये पिछले एक हफ्ते में, और अभी रेट रुका हुआ है ईद के ऊपर। तो बहरहाल परदेसी भाई, आप ईदी तो घर भेज ही चुके होंगे अपने प्यारों को, और अपने लिए भी रखिएगा यार, खूब इंजॉय कीजिएगा ईद वाले दिन। व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं, मेरे साथ ईद की खुशियाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप जिस किसी भी शहर में हैं, मैं भी आपके साथ लाइव वीडियोस बनाकर शेयर करूँगा, मेरी तो आप वीडियोस देख ही लेंगे चैनल के ऊपर। आप जो मुझे वीडियो बनाकर भेजेंगे चांद रात की, या ईद वाले दिन की, या नमाज की, या आप घर पर क्या बना रखे हैं, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं वो वीडियो आपकी एक साथ हम इकट्ठी लगाएंगे चैनल के ऊपर। तमाम प्रदेशों के नाम वगैरह भी अपना बताइएगा यार, ज़रूर बोल कर बकायदा उसमें। तो मैं किधर से बात कर रहा हूँ भाई, ये मेरा नाम है, कि शहर से हूँ, यहाँ पर क्या हालात है, क्या मनाजर है, ज़रूर शेयर कीजिएगा यार, तमाम परदेसी देखेंगे हम, इंजॉय करते हैं। तो कोशिश करूँगा ईद वाले दिन लाइव भी बैठ जाएं, चलो गपशप हो जाए परदेसियों की, बाकी पहले तो फैमिली को टाइम दीजिएगा ना। अच्छा रेट के मुतल बात कर लेते हैं जी, मैं अभी आपको रेट बता दूँ, बातें तो बहुत हैं, लंबी होती जाएंगी। ईद किस दिन होगी ये भी आपको यहाँ नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो इसी के मुतल शेयर करने वाला हूँ मैं। और बहरहाल देखते हैं जी आज का बैंकों के हिसाब से रेट, और वो रखा जी आज का फौरी बैंक, बैंक जजीरा की अगर बात करें तो इनका भाई आज का 73 रुपये 50 पैसे अच्छा रेट है, और 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर एसटीसी पे से आप भेजना चाहते हैं तो 73 रुपये 29 पैसे एसटीसी पे का भाई रेट है, और इनकी भी 10, 17 और 23 रियाल फीस होती है। तहवील राजी राजी बैंक की बात करें तो भाई इनका आज का रेट 73 रुपये 20 पैसे रहा, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है। आप राजी मोबाइल ऐप से अगर भेजेंगे तो आपकी ये 17 रियाल या 23 रियाल जो फीस लगती है वो नहीं लगेगी, वो आपको छूट हो जाएगी। तकरीबन पाकिस्तान आपके बोल रहे हैं 2025 जायद चले जाएंगे, चलो बच्चों को ही तकसीम कर दीजिएगा। अच्छा अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 56 पैसे रहा, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। मनीग्राम की बात करें तो मनीग्राम का आज का रेट 73 रुपये 32 पैसे, और 10, 17 और 23 रियाल फीस है जी इनकी भी। और अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करें तो इनका आज का रेट 73 रुपये 25 पैसे रहा, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर हम बात कर लें भाई इंजाज बैंक की, तो इंजाज बैंक आज का जो रेट दे रखे हैं वो दे रहे हैं 73 रुपये 29 पैसे, और 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर क्विक पे की बात करें भाई तो क्विक पे आज का रेट 73 रुपये 44 पैसे अच्छा रेट है, और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर फ्रेंडी के थ्रू आप भेजना चाहते हैं तो फ्रेंडी वाले भाई आज का रेट 73 रुपये 33 पैसे, और अगर कुछ भाई जो मेरे हौंडी के थ्रू बोलते हैं जी तो हौंडी के थ्रू मत भेजें, मैं तो यही बोलूँगा इस वक्त तो हौंडी वाले जो ईद के ऊपर भाई आवाम को लूट रहे हैं, 70-71 रुपये रेट दे रखे हैं यार, और ऊपर से सरासर रिस्क है वो।